सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अंतर्गत आज हम जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के षष्ठ उपदेश जिसका नाम है अवधूत योगी का लक्षण, उसके विषय में आज देखेंगे कि अवधूत योगी की क्या लक्षण हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी ने बताया है कि अवधूत योगी कौन है, जिसने जिसके प्रकृति के विकारों का संपूर्ण त्याग हो गया है और जो विषय प्रपंचों से मुक्त हो गया है वह जो है योगी अवधूत है। उन्होंने बताया है कि य और र, य अर्थात वायु और र अर्थात अग्नि, जो ये जो बीज मंत्र है इससे मिलकर के ओम बना है। यकार, य को कहते हैं, य को कहते हैं यकार, र को यक, य और य से वायु, वायु तत्व और र अग्नि तत्व, दोनों से मिलकर के ओमकार बना है ओम, और इसको ओमकार कहा जाता है। और जो योगी होता है वह उसके समस्त गुरुओं का वर्णन करते हुए स्पष्ट करते हैं, वह सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है और जैसे और आगे कहते हैं कि उसके लिए कोई भी वह कैसे भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहते हैं कि विद्या आदि पंच क्लेशों को के स्मरण से दूर होकर जो योगी स्व शरीर के इन पांचों क्लेशों की नाशक भस्म से अलंकृत करता है तथा गुरु निर्दिष्ट मार्ग में दृढ़ता से सदा लीन रहता है वही योगी अवधूत कहलाता है। विभूति रूप से अलंकृत, अलंकार से शोभित वह योगी द्वैत प्रपंच वाले लोक संसार में अखंड स्थिर आत्मस्वरूप में स्थित, समस्त कलन से मुक्ति, कट प्रदेश में वस्त्र रूप केवल कौपीन, हाथ में जल खप्पर धारण कर दैन्य रहित सर्वसमर्थ रूप से विचरण करता है, अतः वह अवधूत कहलाता है। और जिसने परम पद ज्ञान में पादुकाएं धारण कर रखी हैं, जो एकमात्र परमात्म ज्ञान पर आधारित है, जिसने अनाहत बिना कटा पिटा मृगचर्म धारण कर रखा है, अथवा जो मृगचर्म रूपी अनाहत नाथ से शोभित है, जिसने परम ज्ञानमयी सेल गले में धारण कर रखी है, ऐसा ही योगी अवधूत कहलाता है। और आगे कहते हैं कि जिसने कट प्रदेश में जिसने मेखला पहन रखी हो, अथवा जो जगत प्रापंचिक विषयों में नित्य निवृत्त का धारण करता हो, जो चटाई के स्थिर आसन पर स्थित रहता हो, और जिस योगी के कानों में चित प्रकाश परानंद रूप दो कुंडल धारण कर रखे हैं, जो जप माला धारण कर मंत्र जप पूर्वक आत्मस्वरूप में का निरंतर ध्यान रखता है, अथवा जिसके विचारों में विषय प्रपंचों से उपरम ही चित्त विश्रांति है, वह योगी अवधूत कहलाता है। जो दंड धारण करता है, अथवा योगासन में धैर्य के जिसके लिए दंड रूप है, जो हाथ में खप्पर लिए हो, अथवा पराकाश ही जिसके लिए खप्पर है, जो सत्संग या भाव समाधि के अवसर पर योगपट्ट धारण करता है, अथवा निजाशक्ति ही जिसके लिए योगपट्ट है, वही योगी अवधूत कहलाता है। जो भेदाभेद द्वैताद्वैत के अतीत ज्ञान की भिक्षा कर स्वयं वेद अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मरस के स्वाद में लीन है तथा अपने ज्ञान को जीर्ण पचाकर जो सच्चिदानंद रूप में स्थित है, वही योगी अवधूत कहलाता है। जो अचिंत्य देश एवं काल से अतीत सर्वव्यापक स्व में ही उस असीम परमात्मा को पा लेता है तथा दूसरों की दृष्टि में एकांत करता हुआ भी स्वयं वेद रूप में स्थित है, वह अवधूत कहलाता है। आगे कहते हैं कि जो अपने भौतिक शरीर को अजर अमर करने हेतु खिचड़ी मुद्रा द्वारा सहस्त्रार से द्रवित चंद्रमामृत का स्वयं पान करता है, वह योगी अवधूत कहलाता है। जिसने अपनी वासना महाबुल बज्री नाड़ के प्राणायाम आदि द्वारा मल रहित
कर लिया है अथवा जिसने वज्रोली द्वारा स्व शरीर में वीर को उर्ध्वमुख कर लिया है है वह योगी अवधूत कहलाता है। जो योगी अपने आत्मस्वरूप में परमात्मा का अभेद अनुभव करता है जागृत में अथवा जो आत्मा एवं परमात्मा में समरसता की साधना कर स्वात्म में प्रतिष्ठित हो जाता है वह योगी अवधूत कहलाता है। जो अवधूत योगी की दशा क्या होती है, अब योगी अवधूत योगी की दशा के विषय में चित्रण करते हैं। अवधूत योगी की दशा, अवधूत योगी की दशा, अवधूत योगी की दशा, अवधूत योगी की दशा पर चित्रण करते हैं कि जो अखंड आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है तथा स्वरूप में प्रतिष्ठित है एवं अनुत्थान भाव में लीन है वही योगी अवधूत कहलाता है। आत्मस्वरूप में स्थित होता है, आत्मस्वरूप में स्थित होता है और जिसको आत्मा परमात्मा के एक रूप तादात्म्य में स्वाश्रित अव्यक्त है तथा जो सत्स्वरूप में अपनी विश्रांति तक पहुंच चुका है एवं धैर्य के साथ सच्चिदानंद परमात्म तत्व में स्थित व्यक्त है वही योगी अवधूत कहलाता है। जो स्व में भी लीन अव्यक्त हो जाता है, स्वयं में भी अव्यक्त, स्वयं में भी अव्यक्त, अव्यक्त वह स्वांतस्थ सत्स्वरूप में वर्तमान योगी ही अवधूत कहलाता है। जो समस्त चर अचर जगत का प्रकाशक है, जो अपनी ही ज्योति में आनंदानुभव करता है, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार कहीं का भोगी कहीं का त्यागी कहीं का देश काल परिस्थिति से परे होता है, देश काल परिस्थिति से परे होता है, नित्य प्रकाश शुद्ध बुद्ध होता है, शुद्ध बुद्ध और नित्य प्रकाश होता है। अवधूत की सर्वरूपता, अवधूत की ऐसा योगी जो है स्वयं वेद द्वैता द्वैत विलक्षण अखंड आत्मस्वरूप में स्थित रहता है, चारों आश्रमों की अवस्थाओं से अतीत होने पर होने के कारण अत्याश्रमी अत्याश्रमी और स्वरूप ज्ञानी और सिद्ध एवं योग साधनों व्रत में दृढ़ रहता है, वह सृष्टि स्थित एवं संहार करने में समर्थ होने से साक्षात ईश्वर होता है, इंद्रियों का स्वामी होता है और वह सर्वथा कृतार्थ होता है, वह जितेंद्रिय होता है, वह जितेंद्रिय होता है और जितेंद्रिय होता है और कभी कभी जो है शिव और उसको शिव और रुद्र नामों वाला शिव और रुद्र नामों वाला सर्वात्मा भी कहा जाता है। सभी प्राणियों के अंतर्गत हृदय में जो परम तत्व आत्मा स्थित है वह अविद्या रूप मोह शोक आदि महान पासों से आबद्ध है, मुमुक्षु को चाहिए कि वह अवश्य ही इस पास को उच्छिन्न कर स्वकीय आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। वह परम तत्व ही शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र अक्षर परम स्वराट इंद्र प्राण काल अग्नि एवं चंद्रमा कहलाता है। वही सूर्य है, वही शिव है, वही परम शिव भी है और
इस प्रकार से आगे कहते हैं, ब्राह्मण साधकों की संख्याओं से योगी की तुलना। ये जो है मतलब कि ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थी सन्यासी उसको मतलब कि सभी प्रकार से उसको उसमें सब कुछ समाहित होता है। ब्रह्मचारी भी उसके अंदर एक होता है और गृहस्थ भी होता है और वानप्रस्थी भी होता है और सन्यासी भी होता है। तो ब्रह्मचारी क्यों होता है, इस पर कहते हैं कि जो है वह दूर रहता हुआ जो है सर्वथा अखंड आत्मबोध से पूर्ण होकर ब्रह्मज्ञानी होने से ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मज्ञानी होने से ब्रह्मचारी कहलाता है। गृहस्थ वह जो है अनिकेत पूतात्मा तथा योग साधन मात्र से नित्य वह तृप्त रहता है, इसलिए उसको गृहस्थ कह देते हैं, क्योंकि पूर्णता ही उसकी चिरसंगनी है। पूर्णता उसको चिरसंगनी है क्योंकि उसके अंदर पूर्णता आ गई, इसलिए उसको गृहस्थ कहते हैं। क्योंकि वह चित्तवृत्तियों का निरोध करके वो चिंतन में रहता है, इसलिए उसको वानप्रस्थी कहते हैं। सन्यासी परमात्मा में अभेद रूप से वह प्रतिष्ठित हो जाता है, इसलिए उसको सन्यासी भी कहते हैं। त्रिदंडी क्या कहते हैं, जैसे संन्यास आश्रम बांस के तीन दंड धारण करने वाला त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है, वैसे भी जो अद्भुत योगी होता है माया कर्म कलाजाल ये सबसे भी वो मतलब कि ये जो है इस कलाजाल का अर्थ होता है प्राण आदि लिंग शरीर। तो ये सब जो है इन सभी बंधनों का तत्व ज्ञान द्वारा निवारण कर देता है वह, तो इसलिए जो है उसको त्रिदंडी भी कहते हैं। एक दंडी क्योंकि जो है उसकी जो है वो नियंत्रित कर चुका है, तो उसको एक दंडी कहते हैं। और त्रिगुणातीत शांत निर्विकार होने से उसको सैव भी कह देते हैं। और सैव और तापस वह सैव क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वह जो है शांत निर्विकार निराकार परमानंद स्वरूप सदा प्रकाशमय परमात्मा सूचत्व का स्वतः साक्षात्कार कर लेता है, इसलिए सैव कहते हैं। तापस जो है समस्त इंद्रियों को वह जो है विषयों से विमुख कर लेता है, इसलिए उसको तापस कहते हैं। पाशुपत क्यों कहते हैं, जो योगी स्वयं को कर्मजाल रूपी पशुत्व का नाश करके अखंड परात पर शिव की आराधना में लीन हुआ शिव स्वरूप में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, वही वास्तव में पाशुपत सैव साधक कहलाता है। कालामुख का अर्थ है कि जो योगी सच्चिदानंद में जगत कारण रूप स्वकीय नित्य धाम में सर्वदा स्थित रहता है, उस परमेश्वर शिव स्वरूप की पुष्प चंदन आदि से पूजा करने वाला कालामुख यानी कि महाकाल का उपासक कहलाता है। फिर लिंगधारी उसको लिंगधारी भी कहते हैं, क्योंकि जो समस्त भौतिक प्रपंचों के प्रति विद्यमान अहम भाव के शत्रु का
वीरतापूर्वक दमन कर देता है तथा स्थिर भाव प्राप्त कर लेता है। और निर्वाणी सन्यासी या दिगंबर, निर्वाणी सन्यासी, निर्वाणी उसको क्यों कहते हैं कि जो अवधूत योगी जन्म मरण का वो विनाश कर लेने से उसको निर्वाणी कहते हैं। और कापालिक, उसको कापालिक क्यों कहते हैं कि जिस योगी ने सद्गुरु से दीक्षा मंत्र प्राप्त करके साधना मार्ग का अवलंबन करके स्वकीय स्वरूप में ज्ञान तथा अनन्यता प्राप्त कर ली, जो एकांतता उपास्य के ही ध्यान चिंतन में निरत रहता है, वही कापालिक कहलाता है। तो इसलिए अब आगे महाव्रत, महाव्रत का अर्थ है कि जो है अखंड अविनाशी परम शिव की उपासना का महाव्रत धारण करने से वह महाव्रती कहलाता है। और शाक्त उपासक, उसको शाक्त उपासक भी कहते हैं। शाक्त उपासक क्यों कहते हैं कि समष्टि सृष्टि रूप शिव ही कुल हैं तथा अखंड चिद्रूप स्व में निजाशक्ति को संचारित करने वाला ही शिव कुल है। इन दोनों की एकता का ज्ञात ही शक्ति उपासक शाक्त कहलाते हैं। इन लक्षणों से संपन्न कोई अवधूत योगी ही हो सकता है, अतः वह सच्चा शाक्त उपासक कहलाता है। शक्ति ज्ञानी उपासक भी उसको कहते हैं। और आगे कहते हैं पंचमकार तथा पंचमकार, पंचमकार मकार मध्य मुद्रा मीन मांस में, मध्य मुद्रा मीन मांस में ये पंच मकार है। मध्य क्या है जो है पंचमकार, इसको पंचमकार कहते हैं। तो पंचमकार जो है योगी की दृष्टि में उपासक के लक्षण आगे बतलाया है, उन्होंने आगे उपासक के लक्षण बताया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उपासक के लक्षण। और उपासक के लक्षण में वैष्णव उपासक, भागवत उपासक, भेदवादी उपासक, पांचरात्रिक उपासक और सदाजीवी उपासक, सात्विक उपासक, सूक्ष्म सात्विक उपासक, सत्यवादी उपासक, कलंकी सात्विक, छपणक उपासक, सिद्ध योगीराट और सिद्ध योगी की विशेषताएं उन्होंने बताया है। सर्वदर्शन मत का समन्वय करता अवधूत को कहा है। और भी इस प्रकार से जो है परमपद की महिमा, शून्यवाद का खंडन किया है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का महात्म्य दिया है, ग्रंथ ग्यान देने की विधि लिखा है और ग्रंथ रक्षा में सावधानी का कारण लिखा है। इस प्रकार से जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ को अब यहीं पर ही हम समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार से सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ पूर्ण हुआ।